अरे भैया घोषणाओं का अंकन होना चाहिए। मैं आपको उसको बता के कहता हूँ, इस तरह सामने ही पैक किया करो, आप ऐसे पैक करके नहीं रख सकते। जब मास्क में आपने पैक कर रखा है, व्हाट इज इट श्योर Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. देखिए लगातार रसद विभाग के अधिकारियों को ये शिकायत शहर में से मिल रही थी कि कई ऐसे स्टोर्स हैं, कई ऐसी दुकानें हैं किराना की, जहां पर सामान को फुटकर बेचा जा रहा था जिसका कोई मूल्यांकन नहीं था, किसी प्रकार की उस पर सूचना अंकित नहीं थी, ऐसी पैकेजिंग मिल रही थी और उसके साथ साथ इन तमाम सामग्रियों के ऊपर 10-20 रुपये बढ़ाकर ग्राहकों से वसूला जा रहा था। और उसकी शिकायतें जैसे जैसे रसद विभाग की टीम को मिलती जा रही है, वैसे वैसे रसद विभाग की जो टीम है वो अब लगातार कोरोना महामारी के दौरान कार्रवाई करती जा रही है। ऐसी एक सूचना उनको वैशाली नगर के दो दुकानों से मिली थी, एक दुकान का नाम जिसमें वैभव मार्ट है जो ईदगाह रोड पर स्थित है, यहाँ पर पैकिंग के अंदर गड़बड़ी पाई गई थी। दाल, जो दाल होती है, दाल को बोरी में से निकालकर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर तैयार किए गए थे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सूचना अंकित नहीं की गई थी। मूल्य कितना है, कब पैक किया गया है, इस प्रकार की कोई जानकारी इन पैकेट्स के ऊपर नहीं थी। और इसी के चलते जो रसद विभाग की टीम है उन्होंने इस वैभव मार्ट के ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही वैशाली नगर में गुप्ता जनरल स्टोर है, यहाँ पर भी ऐसी शिकायतें मिली थी कि कई पैकेट जो पैकेट हैं फूड के, जो दाल के पैकेट हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सूचना अंकित नहीं है। इसके साथ साथ कई सामग्री ऐसी हैं जहां जिन पर गुप्ता जनरल स्टोर रेट बढ़ाकर ले रहे थे, उसकी ग्राहक की शिकायत के ऊपर आज रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। और यहां पर शुरुआत में जुर्माने की बात हुई, लेकिन जुर्माना भरने से जब गुप्ता जनरल स्टोर ने मना किया तो आगे की न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर गुप्ता जनरल स्टोर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग फिर एक बार अजमेर से ये अपील कर रहा है कि अगर शहर में कोई भी स्टोर किसी प्रकार से अगर ग्राहकों का उत्पीड़न करता है, ग्राहकों के साथ में इस तरीके से अगर धोखाधड़ी करता है, तो उसकी शिकायत रसद विभाग को दें। ये एक्चुअली आज वैशाली नगर में दुकानों की शिकायतों के आधार पर कंप्लेंट के आधार पर जाँच की गई। तो इससे पहले कौन सा मार्ट था, वैभव मार्ट इससे पहले वैभव मार्ट को चेक, ईदगाह रोड पे वैभव मार्ट को चेक किया गया, तो वहाँ पे ये पाया गया कि चने की दाल है। उस विक्रेता के द्वारा पैकेज्ड और खुली दोनों तरह की कॉमोडिटीज़ का व्यवसाय किया जा रहा था। जो चने की दाल है वो 72 रुपये में दी गई, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा उसमें 65 रुपये उसका मूल्य निर्धारित कर रखा है। इस तरह के से जो पैक्ड चीज़ और ओवर चार्जिंग के तथ्य को देखते हुए उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया और जो 18-2 जो रूल है PCR 2011 का, उसके तहत जो है 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरीके से एक और ये मार्ट है, ये गुप्ता जनरल स्टोर है, यहाँ पे इनको पहले भी पाबंद किया गया था। बहुत बड़े स्तर पर जो है आपके द्वारा पैकिंग का कार्य किया जाकर उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा था राशन सामग्री का, आवश्यक सामग्री का। जो पैकेज कमोडिटी रूल है वो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है और निर्देशित करती है कि बिना सूचनाओं के अंकन के उपभोक्ताओं का यह मूलभूत अधिकार है कि उनको उन घोषणाओं का बिल्कुल एक निर्धारित अंकन हो। तो यहाँ यह तथ्य देखने में आया है कि बड़े लेवल पर इनके द्वारा पैकिंग तो की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह का सक्षम अनुज्ञापन अथवा किसी भी तरह की घोषणाओं का अंकन नहीं होना पाया, तो इनके द्वारा कंपाउंड कराने से इनकार किया गया है। तो अब देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया जो भी है वो अडॉप्ट की जाएगी इसमें। थैंक यू।